हिंदी बानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कबीर दास जी का एक दोहा पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। टुडे वी विल लर्न वन कपलेट फ्रॉम कबीर दास जी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। मॉरल इज, द वर्ल्ड इज बिजी इन ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मेरी मेकिंग, बट अ थॉटफुल पर्सन वरीज अबाउट द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, सारा संसार खा पी कर मौज मना रहा है और मोह तथा अज्ञान की नींद सो रहा है। द होल वर्ल्ड इज हैप्पी ईटिंग एंड इज एंजॉइंग द स्लीप ऑफ स्पिरिचुअल इग्नोरेंस एंड इल्यूजन। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। केवल कबीर दास जो सांसारिक आकर्षणों के नशे से जाग चुका है, वही अब तक का समय गंवाकर दुखी है और इस संसार की दशा पर आंसू बहा रहा है। ओनली कबीर दास हु इज अवेक फ्रॉम द हेलुसिनेशन ऑफ वर्ल्डली अट्रैक्शंस इज सॉरी फॉर हैविंग वेस्टेड टाइम टिल डेट एंड इज क्राइंग एट द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। सुखिया, सुखी, हैप्पी। सब संसार है, सारी दुनिया है, द होल वर्ल्ड। खावे, खाती है, भोग कर रही है, ईट्स। अरु, और, एंड। सोवे, सोती है, मोह नींद में है, एंजॉयिंग द स्लीप ऑफ इल्यूजन एंड स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। दुखिया, दुखी, सॉरी, वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। जागे, जागा हुआ, मोह के भ्रम से मुक्त, अवेकन्ड फ्रॉम द हेलुसिनेशन ऑफ वर्ल्डली अट्रैक्शंस। रोवे, रो रहा, संसार की हालत देखकर दुखी, क्राइंग।